अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नॉर्दर्न कार्स ऑफ पाकिस्तान। मैं हूं आमिर अली और आज हम आपके लिए रिव्यू लाए हैं प्राडो 120 का। प्राडो सीरीज़ को टोयोटा ने लॉन्च किया था 1984 में एज अ लाइट वर्जन ऑफ लैंड क्रूजर सीरीज़। लैंड क्रूजर सीरीज़ का तो आपको पता होगा, जो कि मतलब इनका फ्लैगशिप एसयूवी है, जिसको यहाँ पे लोग V8 भी कहते हैं। ऑल्दो लैंड क्रूजर इज़ अ वेरी रोबस्ट मशीन, इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, तो प्राडो सीरीज़ वॉज मेंट टू बी अ लाइट वर्जन ऑफ दैट वेरियंट। इसमें भी डिपेंडिंग ऑन द स्पेक्स मुख्तलिफ वेरियंट्स आती हैं। पाकिस्तान में जो अवेलेबल इस वक्त, इसमें TX आता है विच इज़ द मोस्ट बेसिक, इसके बाद TX लिमिटेड लिटल मोर फीचर्स, उसके बाद जो सबसे इनका प्रीमियम होता है वो होता है TZ। इसमें एक TZ G सिलेक्शन भी आता है, बट TZ इज़ द प्रीमियम एडिशन, जिसमें जो कि ज़्यादा फोकस है, विच इज़ अ लग्जरी सेंटर्ड कार एसेंशली। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कुछ ओशेनियन वेरियंट्स भी आते हैं, जो कि फीचर्स एंड डिज़ाइन के हवाले से काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं। उसमें फिर GX आता है, VX आता है और VXL आता है। स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। जैसे कि मैंने कहा, इसका एक पूरा एक नए सीरीज़ के साथ इसको पूरा ही मतलब रीडिफाइन किया था टोयोटा ने 2003 में। सो फ्रंट पे आपको मिलते हैं नए डिज़ाइन के हेडलाइट्स एंड देन देयर आर द क्रोम ग्रिल्स, टिपिकल टोयोटा। उससे नीचे यहाँ पे यू गॉट वेंट्स टू कूल योर रेडिएटर। फॉग लैंप्स की अगर बात करें तो FJ90 के निस्बत इसमें छोटे आते हैं, बट दे आर इक्विवेलेंटली जो है ब्राइट। लेकिन इनमें अच्छी बात यह है कि ये जो प्रोजेक्शन करते हैं ये बिल्कुल टूवर्ड्स द ग्राउंड करते हैं, जिससे सामने वाला ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। इसके अलावा बॉनेट पे इसके देखें तो इधर एक ट्रिम आता है, शैलो सा ट्रिम है फॉर एरोडायनामिक्स। मूविंग टू द साइड्स, आपको यहाँ पे एक मिरर दिखता है, दिस इज़ द 360 डिग्री मिरर, विच आई डोंट नो कितना स्किल चाहिए होता है इसको यूज़ करने के लिए। मुझे तो ये इंतहाई यूज़लेस लगता है, बट परहैप्स देयर आर पीपल जो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड है और वो इसको यूज़ कर सकें। बहरहाल मुझसे तो ये कभी यूज़ नहीं हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट साइड पे थोड़ा सा इसके चौड़े से फेंडर्स हैं, विच गिव्स इट अ गुड लुक। लेकिन अगर आप ऑफ रोडिंग में हैं तो नैरो ट्रैक्स के लिए ये बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। अगर आप नैरो ट्रैक्स के लिए गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो आपके लिए GX सूटेबल होगा, क्योंकि सिंस उसमें फेंडर्स वगैरह नहीं है, इट्स कम्प्लीटली बेसिक फ्रॉम द एक्सटीरियर, वो ज़्यादा डैमेज नहीं होगी। GX का एक फ़ायदा ये भी है कि उसमें पर्ल वाइट रंग नहीं होता। पर्ल वाइट रंग जो होता है जो इस गाड़ी पे है, ये एक तो रंग बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसके अलावा इसको करने में टाइम जाता है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। अगर ये गाड़ी कहीं लग जाती है तो इस पर ज़्यादा खर्चा भी होता है, ज़्यादा टाइम भी जाता है और मुमकिन है कि सही से काम ना हो। इसीलिए अगर आप GX लेते हैं जो कि बस प्लेन वाइट होता है, उसमें फिर ये मसाइल आपको नहीं होंगे। इसके जो साइड मिरर्स हैं, साइड मिरर्स भी इसके चेंज हुए हैं, पहले बहुत छोटे होते थे, इसमें इसकी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, एंड इस बार टोयोटा ने साइड मिरर्स में हीटर भी दिया हुआ, विच आई डोंट नो, मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया, बट इट इज़ देयर। अगर आप इस गाड़ी को बॉडी किट के साथ लेते हैं, बॉडी किट के साथ भी अवेलेबल होता है, जिसमें फ्रंट पे बॉडी किट लगा होता है, इसके अलावा साइड स्कर्ट इसकी थोड़ी लो होती है, इसमें तो साइड स्टेप लगा है, लेकिन उसमें फिर आपको साइड स्कर्ट मिलता है विच इज़ अ लिटिल लोअर, तो गाड़ी को थोड़ा मतलब ज़्यादा ऑन रोड और लग्जरियस लुक देता है, एंड इट इज़ नॉट आइडियल अगर आप इस गाड़ी को ऑफ रोड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम प्राडो हैड अ फ्लैट टेल गेट। फ्लैट टेल गेट का मतलब ये होता है कि आमतौर पर SUVs में, जो क्लासिक SUVs हैं, इनमें रेयर माउंटेड स्पेयर टायर होता था। फ्लैट टेल गेट का मतलब ये है कि इसका जो स्पेयर टायर है वो नीचे माउंटेड होता है। इट गिव्स इट अ गुड लुक फ्रॉम द बिहाइंड। लेकिन अगर आप ऑफ रोडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आइडियल आपके लिए रेयर माउंटेड स्पेयर टायर होगा, बिकॉज वो ईजिली आप निकाल के फिट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाता है। अगर आपका रेयर माउंटेड स्पेयर टायर है, ये आपको एक और बेनिफिट दे सकता है, आप एक स्पेयर फ्यूल टैंक भी ऐड कर सकते हैं इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ इट फॉर लॉन्ग ट्रैवल्स।
और ऑफ रोड अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसमें फिर आपके लिए एक आइडियल होगा कि आपके पास एक स्पेयर फ्यूल टैंक हो। तो इसीलिए अक्सर ये जो ऑस्ट्रेलियन गाड़ियाँ होती हैं, जो कि जी एक्स हो गया, वी एक्स हो गया, इनमें फ्लैट टेल गेट आता ही नहीं था। इस साल इन्होंने ऑप्शन दिया, लेकिन पहले इनमें फ्लैट टेल गेट होता ही नहीं था, क्योंकि वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि एक तो रेयर माउंटेड स्पेयर टायर्स जो कि ईजीली वो निकाल के फिट कर सकते हैं, और उसके अलावा फिर उनको ये फ़ायदा भी देता था कि उनका जो नीचे है जहाँ पे अभी उसका स्पेयर टायर लगा है, इस जगह में वो फिर एक एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक ऐड कर सकते हैं। फॉग लैंप्स रेयर में भी इन्होंने दिए हुए हैं, पिछले FJ 90 में काफ़ी छोटे हुआ करते थे, दे वर रादर रिफ्लेक्टर्स, फॉग लैंप्स नहीं मिलती थी, इसमें उन्होंने फॉग लैंप्स की भी एडिशन कर ली है। बात करें लाइट्स की, तो इस पे जो इस वक्त स्मोक्ड LED लैंप्स हैं, बेसिक जो होता है वो हैलोजन लैंप्स होती हैं, लेकिन ये ऑफ मार्केट हैं, स्मोक टेल लैंप्स हैं, इसमें इंडिकेटर्स एंड अदर बल्ब्स भी जो हैं वो LED हैं, जो कि इसको एक बहुत ही अच्छा लुक देती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज स्टैंडर्ड आपको इस पे मिलेंगे रूफ रेल्स, जिसके ऊपर आप रूफ रैक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अनलेस आपके पास लगेज हो, आप रूफ रैक्स को इस्तेमाल ना करें, बिकॉज दे क्रिएट ड्रैग, एंड ड्रैग जो है आपकी फ्यूल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। इसमें आपको 6 स्पोक एलॉय रिम्स मिलती हैं 17 इंचेस के। ये डिज़ाइन बहुत ही एलिगेंट था कंपेयर टू द 3 स्पोक वेरिएंट, इसीलिए जो प्राडो 150 सीरीज़ इंट्रोड्यूस हुआ उसमें इन्होंने स्लाइड चेंजेस के साथ इसी को मेंटेन रखा। उसके अलावा ऑल्दो इसकी विड्थ की वजह से नैरो ट्रैक्स पे इसको मसला होता है, बट इसका जो व्हील एंगल है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। आप कंपेयर्ड इट विद 1992 एंड 1995 प्राडोज, जो कि जिनको 1KZ कहा जाता है, उनके नस्बत इसका जो व्हील एंगल है वो बहुत सही है। गाड़ी में दाखिल होने के बाद जो सबसे पहली आपकी नज़र पड़ती है वो डायल्स पे, ये डिज़ाइन जो है मॉडर्न जो प्राडो है उसके साथ भी कम्पीट कर सकता है, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दे इंक्लूडेड LEDs, तो डायल्स का डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर डैशबोर्ड की बात करें तो ऑल्दो प्राडो का इससे पहले एक नेचर होता था, एक हेरिटेज होता था बॉक्सी स्टाइल का, टू मेक इट सीम मीन एंड रोबस्ट, इसमें उसको ज़्यादा कर्वी बनाया गया था टू मेक इट सीम मोर लग्जरी सेंटर। सीट्स की अगर बात करें तो इसमें आपके पास दीज आर नाइस कम्फर्टेबल, बट द लेदर वेरियंट इज़ बेटर, जो कि ज़्यादातर TZ में आता है। इसके अलावा दीज आरंट इलेक्ट्रिक, मैनुअल हैं। TZ में आपके पास इलेक्ट्रिक मूवमेंट होती है, विच इज़ अलॉट बेटर, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं करता बंदा, बट इससे फ़र्क पड़ता है आपकी एक्सपीरियंस पे। सेंटर कंसोल इसका काफ़ी बड़ा बनाया है कंपेयर टू द प्रीवियस वन, एंड इससे ये इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि FJ 90 से ये गाड़ी थोड़ी बहुत चौड़ी है। उसके अलावा सेंटर कंसोल में ये जो गियर लेवर इसका है, ऑल्दो ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, इसका जो गियर लेवर होता है वो ज़िगज़ैग होता है, बट इट लुक्स एज इफ इट्स वो जो इसका लेदर कवर है, इट गिव्स इट अ मैनुअल लुक। तो अक्सर लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, उनको लगता है कि ये मैनुअल वेरियंट है, बट ये एक्चुअली में ज़िगज़ैग ऑटोमेटिक वेरियंट होता है। इसके अलावा जो कप होल्डर्स हैं इसके, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं फॉर अ रीज़न कि इसमें सेंटर में इसका एक लॉक है जिसकी मदद से आप दूसरे आइटम्स को भी इसमें रख सकते हैं। 12 वोल्ट्स की आपके पास 2 सॉकेट्स हैं, द फोर व्हील नॉब, हैंड ब्रेक जो कि इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा यूजलेस है, मैं तो इसको बहुत कभी यूज़ भी नहीं करता, पार्किंग ब्रेक डज इट, एंड देन इसका एशट्रे जो है, इस दिस एशट्रे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द फ्रंट, क्योंकि इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है, जब भी आप इसको प्रेस करते हैं इट इजेक्ट्स इटसेल्फ, एंड देन दोबारा उसको प्रेस करें तो इट लॉक्स इटसेल्फ इन द प्लेस, सो दैट्स अ लिटिल नाइस लग्जरी फील टू द रादर ओल्ड कार। इसके अलावा ऊपर आपको AC एंड हीटर के कंट्रोल्स मिलते हैं, यू कैन चेंज द मोड एंड एवरीथिंग फ्रॉम हियर। TZ में इसमें इंटीग्रेटेड स्क्रीन होता है जिसके अंदर ये सारा कंट्रोल होता है, बट सिंस दिस इज़ अ TX वेरियंट, इसमें ये जो बटन्स हैं ये अलग होते हैं। हैज़र्ड की, एयर वेंट्स, एंड ये जो स्क्रीन लगा हुआ है दिस इज़ एन ऑफ मार्केट टैबलेट। इसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं अबाउट टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर, फ्यूल एवरेज, रेंज कितना रहता है आपके पास वो सारा, डायरेक्शन, एंड देन एवरेज स्पीड, एंड दिस इवन हैज़ देन अल्टीमीटर, सो इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप इसके डैशबोर्ड पे क्रैक्स नोटिस करेंगे इन ऑलमोस्ट एवरी वेरिएंट, क्योंकि इसमें प्राडो 120 एंड मार्क एक्स में एक डिज़ाइन फ्लॉ ये था कि इनका जो डैशबोर्ड था इस पर क्रैक्स पड़ जाती हैं, मतलब थोड़ी सी भी अगर धूप पड़ गई तो इस पर क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि इस वेरिएंट पे, इस यूनिट पे भी आना स्टार्ट हो गई हैं। सो यू विल हैव टू, अगर आपके वेरिएंट पे क्रैक्स हैं तो यू डोंट हैव टू वरी, बट अगर नहीं है तो यू विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट, कवर करके उसको आप धूप से बचा सकते हैं। सन वाइजर्स विद अ मिरर, और मिरर में लाइट भी है। यहाँ पे आपको 2 कंट्रोल मिलती है, एक तो है लाइट्स की डोर ऑन ऑफ, एंड लाइट्स को इंडिविजुअल भी आप ऑन कर सकते हैं बाय प्रेसिंग देम,
देन यू गेट द कंट्रोल्स फॉर द सनरूफ राइट हियर. आप इसको टिल्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको ओपन कर सकते हैं. आपके पास यहाँ पे आपके सनग्लास होल्डर्स हैं. सनग्लास तो इतना यूज़ नहीं करता बट इट्स गुड फॉर स्मॉल आइटम्स एज वेल. डोरबिन स्पेस इसका काफ़ी कॉम्पैक्ट है. इनफैक्ट इट डजंट होल्ड इवन द स्मॉल बॉटल्स बट ये सिर्फ कचरे के लिए आइडियल है. सो यू कैन यूज इट फॉर दैट. साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिक हेडलाइट कंट्रोल्स एंड उसके नीचे मिरर कंट्रोल्स, द रियर फॉग लैम्प, एज आई सेड द साइड मिरर हीटर व्हिच आई डोंट नो व्हाई दे पुट देयर. इसके अलावा आप इधर से जो गेजेस हैं इनको भी, इनकी भी लाइट इंटेंसिटी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं. अगर पीछे की हम लेग रूम की बात करें तो लेग रूम काफ़ी सही है. मैनुअल सीट्स हैं एंड एडजस्टेबल हेडरूम भी कभी कोई इशू नहीं है. इट्स सिंपली कंफर्टेबल बैक हियर. हाउएवर एयर कंडीशनर के लिए, एसी के लिए ये लोग बहुत लेजी थे. स्पेस था बट इन्होंने वो इसमें इंटीग्रेट नहीं किया. टी जेड में जो आता है वो इधर ऊपर उनका स्टैंडर्ड एसी वेंट आता है लेकिन इसमें वेंट इन्होंने सेंटर कंसोल में भी नहीं दिया. अलबत्त इसके बाद जो प्राडो 150 सीरीज़ है उसमें उन्होंने सेंट्रल कंसोल में TX में भी एसी वेंट्स लगाई थी. सीट्स के पीछे स्टोरेज है जिसमें आप अपने लैपटॉप और आईपैड को रख सकते हैं. डोरबिन की अगर बात करें तो वो आगे से भी छोटा है इधर. सो इसमें सिर्फ और सिर्फ कचरा आ सकता है. इसके अलावा अगर साउंड की बात करें तो इसमें जो स्पीकर्स लगे हैं काफ़ी डिसेंट हैं. ये साइडवेज खुलता है विच इज़ जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है. एंड लैंड क्रूज़र का जो स्प्लिट टेलगेट है वो ज़्यादा आइडियल रहता है बट इसमें साइडवेज आता है. इसके अलावा स्टोरेज इसमें काफ़ी ज़्यादा है एंड द सीट्स आर सीट्स को साइडवेज फोल्ड होते हैं. इसके बाद जो 150 सीरीज़ प्राडो आया था उसमें इलेक्ट्रिक हैं विच इज़ गुड बट इसमें आप लोगों को बिठा सकते हैं. एंड पीछे अगर कम्फर्ट की बात करें तो जो आपको सबसे ज़्यादा नापसंद है उसी को पीछे बिठाया जा सकता है. इसके अलावा टेलगेट के अंदर आपको थोड़ा सा स्टोरेज मिल सकता है फॉर रोप्स एंड इक्विपमेंट्स. टूल किट भी इधर अंदर ही लगा हुआ है. अक्सर जब हम गाड़ियां ले रहे होते हैं तो या तो हम एक्सटीरियर को जज करते हैं या फिर जाके हम कहते हैं कि ऑडियो मीटर कितना है, कितनी गाड़ी चली है. तो ये चीज़ बहुत गलत है क्योंकि ऑडियो भी जो है अल्टर होता है इस दौर में और उसके अलावा एक्सटीरियर भी जो है इसको मॉडिफाई किया जा सकता है. अगर गाड़ी को आप अच्छे से जज कर सकते हैं तो आप उसके इंटीरियर से कर सकते हैं और इंटीरियर में भी स्पेसिफिकली उसका जो बूट होता है इससे आप जज कर सकते हैं कि गाड़ी कितना टाइम इस्तेमाल हुआ है और किस तरह इस्तेमाल हुआ है. क्योंकि इंटीरियर के जो पार्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, इनको रिप्लेस करना मुश्किल होता है. अंदर कोई भी अगर डैमेजेस हैं तो वो आसानी से बंदा चेंज नहीं कर सकता. मूविंग टू द हुड, दिस वाज द फर्स्ट टाइम प्राडो इंट्रोड्यूस्ड हाइड्रोलिक्स इनटू द हुड. हाइड्रोलिक्स इससे पहले नहीं आते थे, इट वाज अ स्टैंड. बट एसेंशियली मैंने नोटिस किया कि द स्टैंड इज़ क्वाइट बेटर एंड फॉर अ रीज़न. एज द कार वेयर्स आउट और स्पेशली यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में विंटर्स में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ये काम करना छोड़ देते हैं. एंड अक्सर ये होता है कि जब आप काम कर रहे हो तो ये नीचे गिर जाते हैं. सो वेन एवर यू आर वर्किंग विद ईज यू हैव टू यू नो पम्प इट अगैन. गर्मी में मसला नहीं होता, सिर्फ सर्दियों में. इंजन्स की अगर बात करें तो इसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है, पेट्रोल में भी और डीजल में भी. ये जो यूनिट है दिस इज़ अ 5VZ विच इज़ अ 3.4 लीटर पेट्रोल इंजन. इससे अगर नीचे देखें तो पेट्रोल में आपके पास 2.7 लीटर 2TR भी आता है जिसको 2TR कहा जाता है. वो काफ़ी अंडर पावर्ड होता है और अगर आपको ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए तो इट्स नॉट आइडियल. गिलगित बल्तिस्तान के लिए 2.7 लीटर आइडियल नहीं है. 3.4 लीटर इसलिए भी आइडियल है क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा रिलायबिलिटी है. हालांकि आपको 4 लीटर में 1GR भी मिल जाता है बट उसकी थोड़ी सी इश्यूज़ हैं रिलायबिलिटी रिलेटेड, इसलिए ज़्यादा कॉमन ये होता है 3.4 लीटर 5VZ में. फ्यूल इकोनॉमी की अगर बात करें तो ये एवरेज सिटी में ये यूनिट 5.1 से 5.5 किलोमीटर्स पर लीटर देती है. एंड अगर आप लॉन्ग राउट पे जाएं, वैसे तो यहाँ पे मोटरवेज नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन अगर KKH की बात करें तो KKH पे इसका मैक्सिमम 7 किलोमीटर्स पर लीटर होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें डीजल वेरिएंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें D4D आता है. 1KZ ख़त्म हो गया था इस मॉडल के इंट्रोडक्शन में, जो कि इससे पिछली जनरेशन FJ90 में 1KZ आता था. 1KZ को किल करके 1KD जो कि एक D4D इंजन है 3000cc डीजल वो भी इसमें आता है. इकोनॉमी के हवाले से अगर देखा जाए तो D4D की जो इंजन्स है वो बहुत कंपेयर टू द पेट्रोल अच्छी होती हैं बट उसमें फिर आपको हॉर्स पावर कम मिलता है विच गिव्स यू लेस स्पीड. अलबत्त आपको टॉर्क ज़्यादा मिलता है विच गिव्स यू अ बेटर एज ऑफ रोडिंग. सभी टाइम आता है ऑफ रोड टेस्ट का.
और इसके लिए हम आए हैं सुल्तानाबाद से आगे छिलमिश दास. So here we are gonna push this baby to its limits. इस गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो स्पेशली व्हेन यू आर क्रूजिंग डाउन ऑफ हिल एंड एवरीथिंग वो मतलब अनपैरेलल्ड है. और क्वाइटली बिल्कुल क्वाइटली ये क्रूज करता है ऑफ टेरेन पे व्हिच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. ऑल्दो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द टायर्स यू आर यूजिंग द वंस आई हैव राइट नाउ ये ऑफ रोड टायर्स नहीं है ये ऑन रोड टायर्स हैं बट दिस स्टिल क्रूजेस लाइक इट नोज व्हाट इट इज डूइंग. इसके लिए जो ऑफ रोड की कन्वीनियंस है उसमें रोल उसके लैडर फ्रेम का भी है. Oh, and now we gotta test it here. Let's do this. Although the ground clearance isn't the best, I believe it can conveniently crawl through this. But you need to be very careful. कि अगर इसका हब लग गया किसी हार्ड रॉक पे ऑल्दो द ग्राउंड हियर इज सॉफ्ट यू वुड फाइंड बेटर ग्राउंड क्लियरेंस इन द J90 लेकिन दिस इजंट ऑल दैट बैड ऑल्दो आई कैन फील इट टचिंग द बॉटम एवरीथिंग इज गुड सो फार बट एज आई सेड यू नीड टू मेक श्योर कि कोई सख्त पत्थर ना आए विच कैन डैमेज द हब सिवियरली. So just be careful. Switch it to 2 and cruise. Oh, that wasn't so bad. Now the road's better. It's time to cruise. Just like that. Oh yeah. This is something. Maine abhi tak isko default pe rakha hai. In case you get stuck, you can use the four-wheel settings. But to be honest, आज तक मुझे कभी four-wheel settings की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. Thanks to the sheer weight of this car और इसकी जो stability है, बगैर किसी four-wheel setting के ये ऐसे terrains पे nail कर सकता है. फोर व्हील इंगेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे, ठीक है. हसीन ही गाड़ी एंड हावेवर तो मतलब इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप इसको सैंडी इस तरह की ऑर्डिनरी सैंड पे चलाएंगे तो ये गाड़ी फंसेगी. हावेवर अगर आप यही सिनेरियो मड या फिर स्नो में होता तो फिर शायद आपको सेकंड स्टार्ट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती एंड वन सेकंड स्टार्ट डजंट वर्क फिर आपको फोर व्हील ड्राइव की तरफ जाना होगा. So I would not urge you to bring your car and push it to this limit unless you've done a deep suspension inspection, especially the ball joints. ठीक है, इस कार की मैंने इंस्पेक्शन कराई हुई है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी गाड़ी को आप रोड से नीचे उतारें आप उसकी सस्पेंशन की अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करा लें. सो व्यूअर्स, दैट वाज एवरीथिंग यू नीडेड टू नो अबाउट प्राडो 120. उम्मीद है आपको रिव्यू पसंद आया है. अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें. अगर कोई चीज़ हमने मिस किया है या फिर गलत कहा है सो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट्स. अगले एपिसोड में आपके साथ किसी नई गाड़ी के साथ हम फिर से आएंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.